अब हम देखेंगे EDS 9 में टाइमलाइन पर यूज होने वाले बटन्स, जैसे कि ये सारे बटन्स आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा है, अनटाइटल्ड 1, ये आपका प्रोजेक्ट फाइल का नाम है। जिस भी नाम से आपने प्रोजेक्ट फाइल सेव की होगी वो नाम यहाँ पर शो करता रहेगा। जैसे ही आप इस पे कर्सर लेके जाएंगे, ये आपको शो करेगा कि आपकी फाइल कौन से ड्राइव में किस फोल्डर में सेव की हुई है। इसके बाद सबसे पहले हम कोई भी एक वीडियो फुटेज टाइमलाइन पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। आप एक फुटेज भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर एक साथ मल्टीपल फुटेज सिलेक्ट करके उसे भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ये बटन्स क्या काम करते हैं। जैसे आप देखेंगे इस पे आप माउस कर्सर लेके जाएंगे तो ये बोल रहा है क्रिएट न्यू सीक्वेंस। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखेंगे आप एक सीक्वेंस पहले से था, यहाँ एक सीक्वेंस और तैयार हो गया है। ऐसे आप मल्टीपल सीक्वेंसेस यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसके बाजू में एक छोटा एरो दिया हुआ है, जब आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं तो सीक्वेंस बनता है, लेकिन इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पूछेगा न्यू प्रोजेक्ट, मतलब आपको इस प्रोजेक्ट से निकल के जाना है और एक नया प्रोजेक्ट लेना है, तो आप इस न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको पूछेगा इस प्रोजेक्ट को, करंट प्रोजेक्ट को सेव करना है या नहीं करना। अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं करना चाहते तो नो करेंगे, और वापस इसमें काम करना है तो इसको कैंसिल कर देंगे, राइट? इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है ओपन प्रोजेक्ट। नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि अगर हम पहले से कोई प्रोजेक्ट पे काम करके उसे बंद कर चुके हैं और हमें वही प्रोजेक्ट वापस ओपन करना है, तो आप इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा सेव करंट प्रोजेक्ट, यस और नो। आपने किया यस, तो जैसे ही आप यस करेंगे ये आपको फोल्डर ऑप्शन में ले जाएगा और आपकी पहले से काम की हुई कोई भी EDS फाइल अगर यहाँ पर है तो आप इस फाइल को यहाँ से क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे तो वो प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। उसके अलावा जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ और ऑप्शंस हैं। यहाँ नीचे आपके 10-15 ऑप्शंस आएंगे, आप जो भी काम करते हैं लास्ट वो यहाँ पर शो करेगा, आप उसमें से कोई भी फाइल पे डबल क्लिक करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन है सेव प्रोजेक्ट, इसका मतलब आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसे आपको सेव करना है, कहाँ पर सेव करना है, क्या लोकेशन पे सेव करना है, ये सब ऑप्शंस आपको इस आइकन में मिलेंगे। आप इस एरो पे जैसे क्लिक करेंगे आपको ऑप्शन मिलेगा सेव प्रोजेक्ट। आप जब इस सेव प्रोजेक्ट को या कंट्रोल एस करके प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो आपका फाइल जहाँ पर जिस नाम से सेव किया है उसी नाम से उसी फाइल में आपका प्रोजेक्ट सेव हो जाएगा। लेकिन जब आप सेव एज करते हैं तो आपको ये पूछेगा आपकी फाइल इस समय आपको कहाँ सेव करना है, तो आपको उसे रास्ता बताना पड़ेगा, उसे पाथ देना पड़ेगा। अभी हम पाथ दे रहे हैं इस फोल्डर में और यहाँ हम इस फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं, हमें नाम देना है यहाँ पर जो भी नाम आप चाहते हैं वो नाम दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर EDS के बाजू में इस फाइल का नाम चेंज हो गया, क्विक नाम से ये फाइल बन गई है यहाँ पर। तो बेसिकली आपका ये आइकन प्रोजेक्ट फाइल को सेव करने के लिए काम में आएगा। उसके अलावा इसमें ऑप्शन है प्रोजेक्ट सेटिंग्स। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि वीडियो प्रोजेक्ट सेटिंग्स आपकी इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम लोग फ्रेम रेट और फ्रेम साइज डिसाइड करते हैं, तो आप यहाँ पर चालू प्रोजेक्ट में भी आपका प्रोजेक्ट सेटिंग चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा सीक्वेंस सेटिंग्स, आप इन सीक्वेंस को नाम देना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसको नाम दे सकते हैं, आप जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। आप इस सीक्वेंस पे राइट क्लिक करके भी सीक्वेंस सेटिंग्स ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जो नाम देना है वो नाम आप इसे दे सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो ऑप्शंस है वो बेसिक ऑप्शंस है जो हम बाकी रोज़मर्रा में यूज़ करते हैं। पहले हम इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाएंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पर कट का ऑप्शन है, तो नॉर्मल हम लोग कंट्रोल एक्स करते हैं जिससे कि कट, एंड कट करने के बाद हम लोग उस फाइल को पेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे जैसे हम इसको क्लिक करते हैं ये फाइल यहाँ से कट हो जाएगी और पेस्ट का ऑप्शन एक्टिवेट हो गया।
जैसे हम इस पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे वो फाइल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। उसके बाद का ऑप्शन है कॉपी, कंट्रोल सी करके हम लोग कॉपी करते हैं, वही ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है। उसके बाद ऑप्शन है पेस्ट, आप जो भी फाइल को कॉपी करते हैं उसे कहीं ना कहीं पेस्ट करना होता है, आप आपका कर्सर ले जाएंगे और पेस्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी उस कर्सर के आगे पेस्ट हो जाएगी। इसके बाद के ऑप्शन को आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इसके लिए हमें पहले यहाँ पर दो क्लिप लेनी होगी, एक ये क्लिप हमने ले ली और एक क्लिप और हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, ये दो क्लिप आपके पास आ गई है। अब एक क्लिप पे हम लोग एक इफेक्ट अप्लाई कर देते हैं ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पर एक इफेक्ट और यहाँ पर एक इफेक्ट, दो इफेक्ट हमने यहाँ अप्लाई कर दिया है। हम चाहते हैं इसमें कि हमारा ये इफेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए लेकिन ये क्लिप चेंज हो जाना चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जो क्लिप इसकी जगह पे रिप्लेस करना है उस क्लिप को कॉपी करेंगे और जिस क्लिप के साथ रिप्लेस करना है उस क्लिप को सिलेक्ट करके इस बटन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन है शिफ्ट आर, इस ऑप्शन को हम क्लिक कर देंगे तो देखेंगे आप यहाँ पर इफेक्ट वहीं की वहीं है, जैसे थे वैसे ही है और इसमें क्लिप शिफ्ट हो गई, मतलब आप किसी भी क्लिप पे कोई और क्लिप को रिप्लेस कर सकते हैं विदाउट एनी चेंजेस इन इफेक्ट। अब आगे समझने के लिए पहले हम इस क्लिप पर कुछ ट्रांजिशन के इफेक्ट अप्लाई करते हैं, एक और ये दो, उसके बाद में हम इस पे एक वीडियो फिल्टर अप्लाई करते हैं, इसको मोनोटोन कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि इस क्लिप में अब एक ट्रांजिशन के इफेक्ट्स लगे हैं और इस पे एक वीडियो फिल्टर इफेक्ट अप्लाई किया हुआ है। तो अब आप चाहते हैं कि इस क्लिप का फिल्टर, वीडियो फिल्टर आप ऐसा कि ऐसा उठा के इस पे रखना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है इस क्लिप को आप कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और यहाँ पर जाके आप देखेंगे कि अगर मुझे फिल्टर को इस के साथ रिप्लेस करना है तो अल्टर आर प्रेस करेंगे। सो हम अल्टर आर जब प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये फिल्टर यहाँ पर भी अप्लाई हो गया है जैसा यहाँ पर था, हम इसे डिलीट करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इसमें से आप ट्रांजिशन के फिल्टर्स को कॉपी करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आप इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर आकर आप यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल आर प्रेस करेंगे या फिर इस बटन में जाके इस जगह पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यही ट्रांजिशन के इफेक्ट एज इट इज यहाँ पर अप्लाई हो गए हैं। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर वीडियो फिल्टर भी है, क्लिप भी है, ट्रांजिशन भी है, आप चाहते हैं कि इसकी क्लिप और वीडियो फिल्टर का इफेक्ट दोनों की दोनों यहाँ पर रिप्लेस हो जाए, मीन्स क्लिप भी रिप्लेस करेंगे और इसमें जो फिल्टर लगा है वो भी हम इसके साथ रिप्लेस करेंगे, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, इस क्लिप को सिलेक्ट करके कॉपी करेंगे कंट्रोल सी और उसके बाद इस क्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ देखेंगे क्लिप एंड फिल्टर रिप्लेस करने के लिए ऑप्शन है शिफ्ट अल्टर आर या यहाँ जाकर आप इस बटन को क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन को छोड़ के क्लिप भी रिप्लेस हो गई है और वीडियो फिल्टर का इफेक्ट भी यहाँ पर आ गया है। तो रिप्लेस में आप ये सब ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक क्रॉस मार्क है, जब आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो ये आपको शो करेगा डिलीट, मीन्स अगर आपको ये क्लिप डिलीट करना है तो आप डायरेक्ट कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा के इसे डिलीट कर सकते हैं या फिर इस क्लिप को सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसे डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम पहले यहाँ पर तीन चार क्लिप लगा देते हैं एक साथ। अब आप देखेंगे कि अगर मैं ये क्लिप को डिलीट करता हूँ तो यहाँ बीच में गैप आ जाती है, तो इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है रिपल डिलीट, तो आप जब इस क्लिप को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद इस बटन को प्रेस करेंगे तो इस क्लिप को डिलीट कर देगा और उसमें जो आने वाली गैप है उसको कवर कर देगा। इसके लिए शॉर्टकट कीबोर्ड से है, अगर आप यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको उसका शॉर्टकट भी लिखा दिखेगा अल्टर डिलीट, यानी आप इस क्लिप को सिलेक्ट करने के बाद में अल्टर डिलीट अगर बटन प्रेस करते हैं तो ये रिपल डिलीट का काम करेगा। इसके बाद के ऑप्शन नॉर्मल है, आपको प्रीवियस फुटेज वापस ये या प्रीवियस आपने जो भी काम किया है एडिट किया है उसे वापस लाना चाहते हैं तो आप उसे अंडू कहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हम लोग बटन को प्रेस करेंगे या फिर कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे। उसके बाद का ऑप्शन है रेडू, मीन्स आगे वाली प्रोसेस को वापस लाना चाहते हैं उसके लिए रेडू, ये कॉमन ऑप्शन है रेडू एंड अंडू।
उसके बाद का ऑप्शन है कट। अगर आप इस क्लिप को यहाँ पर कट करना चाहते हैं तो आप जिस पॉइंट पे कट करना चाहते हैं वहाँ पर आपका कर्सर रखेंगे और यहाँ से इस बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कट लग गया है। इसके लिए शॉर्टकट भी है, कीबोर्ड पर आप सी बटन दबाएंगे तो कट लग जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है सेट डिफॉल्ट ट्रांजिशन। तो आपके पास जो ट्रांजिशन फिल्टर्स होते हैं इफेक्ट में, इसमें से बेसिक एक कोई भी फिल्टर को आप डिफॉल्ट फिल्टर बना सकते हैं या डिफॉल्ट ट्रांजिशन इफेक्ट बना सकते हैं। तो डिफॉल्ट ट्रांजिशन इफेक्ट को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिप पे सिलेक्ट करने के बाद में इस बटन को प्रेस करेंगे। जैसे ही आप इसे प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फिल्टर अप्लाई हो गया है। तो ये बटन जो है ये आपका डिफॉल्ट ट्रांजिशन अप्लाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको शॉर्टकट भी दिया गया है, आप क्लिप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो फिल्टर अप्लाई हो गया है। इसके बाद का बटन है टी। टी मतलब टाइटल का, जो हमने यहाँ ऑप्शन देखा था टाइटल के लिए वही ऑप्शन यहाँ पर भी है। यहाँ से आप नया टाइटल ले सकते हैं, कलर मैट ले सकते हैं, कलर बार ले सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शन है यहाँ पर क्रिएट अ स्टिल इमेज, मतलब आप चाहते हैं कि ये वाली जगह पे आप एक फोटो लेना चाहते हैं जो आप उस समय वहाँ नहीं ले पाए, तो आपको सिंपली आपका कर्सर सेट करना है जिस जगह की फोटो लेना है और यहाँ पर जाकर आप इसे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये आपको पूछ रहा है इस फाइल को, इस फोटो को मैं कहाँ पर क्या नाम से सेव करूँ। तो हम बाय डिफॉल्ट ये जाएगा जहाँ पर आपने आपका प्रोजेक्ट फाइल सेव किया हुआ है। तो यहाँ पर हम नाम दे देते हैं इसे स्टील वन और सेव कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि बिन में यहाँ आपके पास एक फ़ोटो आ गई स्टील वन, जिसे हम ड्रैग करके यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है टॉगल वॉइस ओवर डिस्प्ले। इसका यूज़ आप वॉइस ओवर देने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए आपको आपके सिस्टम में माइक्रोफोन लगाया हुआ होना चाहिए, जिस जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वॉइस ओवर के लिए माइक्रोफोन लगाया हुआ है। आपको यहाँ पर आउटपुट ट्रैक पे चाहिए या बिन में चाहिए ये सिलेक्ट करना होता है। इस ऑडियो फाइल का नेम क्या होगा वो यहाँ पर डालना है आपको और उसके बाद आप यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इस स्टार्ट पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपका कर्सर मूव करने लगा है और जो भी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ये यहाँ पर रिकॉर्डिंग होना चालू हो गया है। तो आप कोई भी वीडियो को आप अपना वॉइस ओवर दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से अभी से एंड करता हूँ। जैसे हमने एंड किया Use this wave file, yes, तो आप देखेंगे यहाँ पर वॉइस फाइल रिकॉर्डिंग होना चालू हो गया है। तो आप कोई भी वीडियो को आप अपना वॉइस ओवर दे सकते हैं। देखिए मैं यहाँ से अभी से एंड और फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कि हम कोई भी वीडियो फाइल पे आपका वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद का ऑप्शन है टॉगल बिन विंडो। बाय डिफॉल्ट कभी हो सकता है कि आपने इससे क्रॉस कर दिया और ये यहाँ से बिन विंडो गायब हो गया, तो आप उस समय पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और आपका बिन विंडो वापस आ जाएगा। उसके बाद का ऑप्शन है टॉगल ऑडियो मिक्सर। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑडियो की वेवफॉर्म समझने के लिए काम में आएगा। उसके बाद का ऑप्शन है यहाँ पर टॉगल वीडियोस्कोप डिस्प्ले। जब आप एक वीडियो को देखते हैं तो उसमें कलर की इंफॉर्मेशन को समझने के लिए वीडियोस्कोप का यूज किया जाता है। उसके बाद है टॉगल पैलेट डिस्प्ले। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ बिन इफेक्ट इंफॉर्मेशन। आपको अगर कोई चीज पे डायरेक्ट जाना है तो आप यहाँ से भी जा सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी क्लिक करके इफेक्ट के पैनल में या फिर इंफॉर्मेशन पैनल में या फिर इनको हाइड करना है आपको तो ये हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ से वापस आप इसे ला सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे ये सब बटन्स जो टाइमलाइन के साथ जुड़े हुए हैं ये क्या काम करते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर कुछ लिखा है 1A और 2A। इसका मतलब ये है, A का मतलब ऑडियो फाइल्स, यानी ये जो टाइमलाइंस है ये सिर्फ ऑडियो
टाइमलाइन है, यहाँ पर ऑडियो फाइल्स ही आपकी अप्लाई होगी। उसके ऊपर है 1T, इसका मतलब है टाइटल। उसके ऊपर है वीडियो ऑडियो, VA मतलब वीडियो और ऑडियो, मतलब इस टाइमलाइन में वीडियो ऑडियो दोनों भी एक साथ आएंगे। इसके ऊपर है वीडियो, इसमें सिर्फ वीडियो फाइल आएगी। अगर आप यहाँ देखेंगे, जैसे ही मैंने इस फाइल को वीडियो पे शिफ्ट किया, आप देखेंगे यहाँ सिर्फ वीडियो फाइल दिख रही है, ऑडियो फाइल यहाँ से गायब हो चुकी है। अगर यहाँ से आप ये देखेंगे कि मैंने इसे नीचे शिफ्ट किया, तो यहाँ पर सिर्फ ऑडियो फाइल दिखेगी आपको, वीडियो फाइल दिखेगी नहीं। तो इस तरीके से आपकी टाइमलाइन को ऑडियो, टाइटल, वीडियो ऑडियो और वीडियो में डिवाइड किया गया है। उसके साथ ही यहाँ कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि एक स्पीकर का साइन बना हुआ है, स्पीकर साइन का मतलब है ऑडियो म्यूट। आप इस पूरी टाइमलाइन का अगर ऑडियो बंद करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप स्पीकर को दबा देंगे, जिससे कि इस टाइमलाइन पे जितना भी ऑडियो है वो आपका ऑडियो म्यूट हो जाएगा। वैसे ही इसके ऊपर एक फिल्म का साइन दिया हुआ है, इस फिल्म साइन को अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो इस टाइमलाइन का पूरा वीडियो म्यूट हो जाएगा। यानी कि आपको ऑडियो म्यूट करना है या वीडियो म्यूट करना है, आप इन दो बटन के थ्रू ऑडियो या वीडियो को म्यूट कर सकते हैं। अब हम एक ऑडियो फाइल लेंगे, ये ऑडियो फाइल को ऑडियो ट्रैक पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर एक एरो दिया हुआ है, जैसे ही हम इस एरो को क्लिक करेंगे, ये ऑडियो फाइल एक्सटेंड हो जाएगी और आपको इसकी वेवफॉर्म दिखने लगेगी। तो एरो का काम है आपकी ऑडियो फाइल का वेवफॉर्म को शो करना। उसके अलावा यहाँ पर वीडियो ऑडियो में देखेंगे दो एरो है, जब हम फर्स्ट एरो क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑडियो फाइल एक्सटेंड हो जाएगी और यहाँ पर आप ऑडियो के वेवफॉर्म को देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ एक और एरो दिया हुआ है, इस एरो को जब हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो खाली जगह है, ये इफेक्ट लगाने के लिए दी है, ये खाली जगह एक्सटेंड हो जाएगी और आप इफेक्ट को यहाँ पर क्लियरली देख सकेंगे। इसके लिए ये एरो का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 सेकेंड 2 सेकेंड, मतलब आप इस टाइमलाइन को छोटा या बड़ा करके देख सकते हैं। आपको चाहे तो फ्रेम बाय फ्रेम देख सकते हैं, देखेंगे आप एक एक फ्रेम यहाँ दिख रहा है आपको, ऐसे ही आप इसको छोटा करते जाएंगे तो आपकी टाइमलाइन और बड़ी बड़ी होती जाएगी। इसी चीज़ को करने के लिए दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कर्सर बार, आप इससे भी आपकी टाइमलाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। उसके अलावा आप कीबोर्ड पर Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो 1 फ्रेम के हिसाब से आपकी टाइमलाइन दिखेगी, Ctrl+2 करेंगे तो 5 फ्रेम्स में दिखेगी, Ctrl+3 करेंगे तो 1 सेकेंड्स में दिखेगी, Ctrl+4 करेंगे तो 5 सेकेंड्स में, Ctrl+5 करेंगे तो 15 सेकेंड्स में, Ctrl+6 करेंगे तो 1 मिनट में, Ctrl+7 करेंगे तो 5 मिनट में, Ctrl+8 करेंगे 15 मिनट में और Ctrl+9 करेंगे तो 60 मिनट्स में आपकी टाइमलाइन शो करेगी। अब इसके अलावा एक ऑप्शन है Ctrl+0, जैसे ही आप Ctrl+0 करेंगे, आपकी टाइमलाइन पर जितना भी डाटा है वो आपकी स्क्रीन की साइज पे आपको फिट दिखेगा। इसका मतलब है Ctrl+0 जैसे ही आप दबाएंगे, फिट टू स्क्रीन टाइमलाइन दिखेगी आपको। इसके बाद आप देखेंगे इन 4 ऑप्शंस का क्या यूज़ है। आप ये देखिए कि यहाँ पर ये क्लिप है, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और इसे मैं डिलीट करता हूँ, तो क्या हुआ, यहाँ पर क्लिप डिलीट हो गई और यहाँ एक गैप क्रिएट हो गई। एक दूसरा, अगर मैं इस क्लिप को उठा के यहाँ पर आगे लेके जाता हूँ तो क्या हुआ कि यहाँ पर एक गैप आ गई और यहाँ पर जो क्लिप थी उसके ऊपर इस क्लिप ने ओवरराइट कर दिया है। तो हम अभी ये पहला ऑप्शन टॉगल इंसर्ट है, इसको हम लोग एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इस क्लिप को डिलीट करके देखेंगे तो क्या हुआ, गैप वैसी की वैसी रह गई और क्लिप डिलीट हो गई, मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पर जब आप इसको यहाँ पर से यहाँ शिफ्ट करेंगे तो देखिए क्या हुआ, यहाँ गैप तो जैसी थी वैसी हो गई, लेकिन यहाँ पर इस पर ओवरराइट नहीं किया इसने और इस क्लिप की जगह पे उसको सरका कर ये क्लिप उस जगह पे सेट हो गई है। तो इस टॉगल इंसर्ट ने क्या किया कि इस क्लिप को अपनी जगह बना ली इस क्लिप ने और इस क्लिप को आगे धकेल दिया, पर यहाँ पर गैप कवर नहीं किया। अब हम ये दूसरा ऑप्शन है सेट रिपल मोड, इसको भी क्लिक करते हैं। अब ये दोनों
पॉइंट आपके एक्टिवेट हो गए। अब मैं जब इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर गैप भी कवर हो गई है। उसके अलावा जब हम इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट करते हैं तो ये गैप भी कवर हो जा रही है, इसको भी इसने पीछे ढकेल दिया और ये यहाँ पर सेट हो गई है। तो हम जो काम चार क्लिक में कर रहे थे, ये दोनों एक्टिवेट रहने से सिंगल क्लिक में हम लोग कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ये वीडियो क्लिप को जब हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो वीडियो के साथ ऑडियो क्लिप भी सिलेक्ट हो रही है। अगर आप वीडियो और ऑडियो दोनों क्लिप को डिसेबल करना चाहते हैं तो कीबोर्ड पर पी के ऊपर जीरो का ऑप्शन होता है, क्लिप को सिलेक्ट करके इस जीरो को दबाएंगे तो क्लिप डिसेबल हो जाती है, जिसमें ऑडियो और वीडियो दोनों भी डिसेबल हो जाएगा। पर अगर आपको सिर्फ ऑडियो डिसेबल करना है वीडियो रखना है, या वीडियो डिसेबल करना है ऑडियो रखना है, तो आप पहले इसे अनग्रुप करेंगे इस बटन के थ्रू। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि वीडियो अलग और ऑडियो अलग सिलेक्ट होने लग गया है। और आप अब ऑडियो को सिलेक्ट करके ज़ीरो दबाएंगे तो जीरो ऑडियो आपका डिसेबल हो गया है। अगर आप वीडियो को सिलेक्ट करके जीरो दबाएंगे तो वीडियो डिसेबल हो गया। वापस इनेबल करने के लिए भी सेम ऑप्शन है, आप वीडियो को इनेबल करना चाह रहे हैं तो वीडियो सिलेक्ट करेंगे और ज़ीरो दबाएंगे, ऑडियो सिलेक्ट करेंगे और ज़ीरो दबाएंगे, तो आपका वीडियो और ऑडियो डिसेबल या इनेबल हो जाएगा। इस मतलब कि यहाँ पर जब आप सेट ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आप ऑडियो और वीडियो को अलग अलग कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है स्नैप टू इवेंट। जब आप कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं और आपको पूरा प्रोजेक्ट सेलेक्ट करके इसे सरकाना होता है, ये गैप कवर करना होता है, तब आप इसे इस तरीके से सिलेक्ट करके आप वीडियो क्लिप के पास लेके जाते हैं, दूसरे क्लिप के पास लेके जाते हैं। तो होता यह है कि अगर ये स्नैप टू इवेंट एक्टिवेट नहीं है तो आप जब इसे इस क्लिप के पास ले जाएंगे तो आपको प्रॉपर जजमेंट नहीं मिलेगा कि ये क्लिप उसके साथ जुड़ गई है या नहीं जुड़ी है। तो ये क्लिप इसके अंदर मर्ज भी हो सकती है, देखेंगे आप इसके अंदर घुस रही है, या फिर इसमें गैप भी रह सकती है, तो प्रॉपरली आप उसको उसके साथ मिला नहीं पाएंगे या फिर गैप क्रिएट हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्नैप टू इवेंट को एक्टिवेट करेंगे, उसके बाद इसे सेलेक्ट करेंगे और इसके पास जैसे आप देखेंगे कि मैं लेके जा रहा हूँ, ये उसे मैग्नेट की तरह खींच के अपने पास में क्लिप मिला ले रही है, मतलब इसके बीच में आपको कोई गैप नहीं रहेगी ना ये ओवरराइट होगा। तो ये चार बटन अलग अलग तरीके से काम करते हैं जिसका यूज़ हमने अभी देखा। अब हम देखेंगे टाइमलाइन पर कलर कोडिंग। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ वीडियो कुछ ऑडियो फाइल्स टाइमलाइन पर रखी हुई है, तो जितनी भी वीडियो फाइल्स रहेगी वो आप ये कलर देख के पहचान सकते हैं कि ये वीडियो फाइल्स है। आप देखेंगे वीडियो फाइल्स का कलर कौन सा है, येलो कलर है। तो जो भी येलो कलर की फाइल्स आपकी टाइमलाइन पर रहेगी वो वीडियो फाइल्स रहेगी। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ ऑडियो की फाइल्स हैं और इसका कलर है ग्रीन, तो जितनी भी फाइल्स ग्रीन कलर की आपकी टाइमलाइन पे रहेगी वो ऑडियो फाइल्स रहेगी। इसके अलावा तीसरा जो ऑप्शन होता है वो है टाइटलर। अगर आप कोई टाइटल की फाइल देखेंगे तो वो रहेगी बॉटल ग्रीन कलर की, तो आप देख सकते हैं ये बॉटल ग्रीन कलर है। ये कलर आपको टाइमलाइन पे जहाँ भी दिखेगा तो कलर देख के समझ में आएगा कि ये टाइटल की फाइल है। उसके बाद अगर आप देखेंगे कोई भी स्टिल, मतलब अगर आप कोई फोटो फाइल देखते हैं, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पर एक फोटो क्लिक की, ये फोटो की फाइल है, जैसे ही आप कोई फोटो फाइल टाइमलाइन डालेंगे आपको दिखेगा वो पिंक कलर में दिख रही है। अगर आपके टाइमलाइन पे वेरिएबल कंटेंट्स है, आपने बहुत सारा प्रोजेक्ट तैयार किया है, तो आप इन कलर कोडिंग के थ्रू पहचान सकते हैं कि ये वीडियो फाइल है, ये ऑडियो फाइल है, ये टाइटल फाइल है, ये स्टिल इमेज फाइल है। हमने अभी देखा था कि इस सेट ग्रुप अनग्रुप ऑप्शन से हम इस फाइल को ऑडियो को और वीडियो को अलग अलग कर पा रहे हैं, लेकिन जब आप वीडियो को अपनी पोजीशन से सरकाएंगे तो ऑडियो फाइल भी उसके साथ सरकेगी। अगर आप ऑडियो को डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, लेकिन आप उसको अलग निकाल के लेके नहीं जा सकते। तो इसके लिए दूसरा ऑप्शन है, जब इस क्लिप को आप सिलेक्ट करेंगे और इस पर राइट क्लिक करके आप देखेंगे लिंक और अनलिंक,
तो आप यहाँ से अल्टर वाई दबाकर भी इसे अनलिंक कर सकते हैं। तो जैसे हमने इसको अनलिंक किया, देखेंगे आप ऑडियो और वीडियो फाइल अलग अलग हो गई, और आप इस ऑडियो फाइल को आप इससे अलग निकाल सकते हैं। आप ऑडियो अलग यूज़ कर सकते हैं, वीडियो अलग यूज़ कर सकते हैं। और इसे वापस ज्वाइन करने के लिए आप वापस इसको दोनों को साथ मिलाकर राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ देखेंगे इसके लिए लिंक ऑप्शन है जो कि एक्टिवेट होगा कीबोर्ड पर वाई दबाने से। तो जैसे ही आपने इसे लिंक किया, ये वापस दोनों फाइल एक दूसरे में मर्ज हो गई है। अब हम एक क्लिप पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें आने वाले ऑप्शंस देखेंगे। तो आपने जैसे ही इस पर क्लिप पे राइट क्लिक किया, इस तरीके से पैनल ओपन हो जाएगा। इसमें नॉर्मल ऑप्शंस है, कट, रिपल कट, कॉपी, पेस्ट, रिप्लेस, डिलीट, रिपल डिलीट, डिलीट पार्ट्स, ऐड कट पॉइंट, वी म्यूट, लिंक, अनलिंक, इनेबल और डिसेबल। इसके बाद के ऑप्शन है ड्यूरेशन, जो आप अल्टर यू दबा के भी देख सकते हैं। जब आप इस क्लिप का ड्यूरेशन देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्लिप कितने ड्यूरेशन की है, 19 सेकेंड 17 फ्रेम्स की।